ये है अपना विक्टोरिया पार्क और ये सी शोर, सारा समंदर है सामने। थोड़ा और पास आके दिखाते हैं, बढ़िया सा वो सामने आइसक्रीम मिलती है बहुत बढ़िया, समर में पीनट बटर नाम भूल गया उसका मैं, बड़ी मस्त आइसक्रीम थी, ट्राई की थी मैंने। कोई हो पीआई में तो ट्राई कर लेना, समर में ठीक है इनकी आइसक्रीम, कई बार तो लाइन लगी होती है। और बाकी बड़ा इंजॉय करा है, पूरी समर पूरे मज़े किए हैं, रिकॉर्ड नहीं करे बट समर में बहुत मज़े किए हैं पीआई में हमने, कोई इवेंट मिस नहीं किया, बहुत बढ़िया था सब। इस समर ट्राई करेंगे कि सारा कुछ दिखा दें, पॉसिबली इस समर तो यहीं पे हैं हम पीआई में ही, उसके बाद पीआर वीआर का अगर सब चक्कर ख़त्म हो गया तो मूव करेंगे वापस या नहीं करेंगे पता नहीं, अभी सोचा नहीं है। ये देख लो जी सामने, चलते हैं ध्यान से करते हैं रोड क्रॉस। चलो थोड़ा सा ऊपर जाके व्यू दिखा देते हैं, गिरना नहीं है आज, गिरना नहीं है आज, गिरना नहीं है। इसके अंदर से दिख जाएगा, नहीं दिख रहा। नितिन घूम रहा है, वॉक करने के लिए परफेक्ट जगह है, साइड वॉक बनी हुई है बढ़िया। ये पुराने टाइम पे बता रखा है सारा, आर्मी कैसे काम करती थी, तोपे ओपे पड़ी हैं इधर, फिलहाल इनका कोई काम नहीं है बट पुराने टाइम पे प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्टम था यहाँ सब बढ़िया। और अपना आइसक्रीम वाला फिर से नाम इसका मैं देख के बता दूंगा, अभी नाम मुझे याद नहीं है बट बढ़िया था। चलते हैं अब नीचे, वो फेमस सी जगह है ये येलो बिल्डिंग जो दिख रही है इसके पास जाके इसका भी नाम बताता हूँ, बहुत बढ़िया जगह है ये। चलो नीचे उतर रहे हैं धीरे धीरे, समर में आते थे पूरा वॉक करने इधर, समर की कोई फोटो पड़ी हुई तो डाल दूंगा, और जगह बहुत ब्यूटीफुल है। ये देखो जी ये नीचे वुड है सारी, करने में तो मज़ा आ जाता है यहाँ पे। चलो जी वॉक करते करते पहुँच ही गए हैं अपने आइसक्रीम वाले के पास, नाम है इसका डेरी बार, येलो बिल्डिंग ये वाली। इधर इतना फ्रीज नहीं हो रखा, नॉर्मली कुछ बीचेस पे हम गए थे अभी पूरे फ्रीज हो रखे, यहाँ इतना, या तो मूविंग वाटर है ज़्यादा तो इसलिए बढ़िया है। अभी व्यू मस्त है भाई सामने, चलो जी वो अपनी करते हैं स्टार्ट। हाँ भाई ठीक है सब, हाँ क्या हुआ है बता देना बाद में। ये पॉइंट तो भाई पूरा फ्रीज हो रखा है, वो सामने है लाइट हाउस, गुडविल रोड आ गई है,
राइट लेफ्ट झांक लेते हैं थोड़ा सा, ऐसे ही घूम रहे हैं पैदल पैदल सिटी में अभी। इसके बाद जाते हैं डाउनटाउन, दिखाते हैं थोड़ा सा। डाउनटाउन भी बढ़िया है घूमने के लिए, मेरे को लग रही है ठंड। अब ये पानी के आसपास ठंड ज़्यादा होती है, नॉर्मली ठंड थी नहीं इतनी घर पे, विंटर जैकेट में पहन के नहीं आया, बट अभी ठंड हो गई है थोड़ी सी। वो सामने गाड़ी खड़ी है उधर हमारी, ले कर निकलते हैं। पैदल पार करने के लिए बना हुआ है, गाड़ी रुकेगी तो नाइस। एक गाड़ी वाला तो रुका नहीं हमारे ऑनर में, एक रुक गया, थैंक यू बोल दिया उसको रुकने वाले को। वो गाड़ी अपनी खड़ी है थर्ड नंबर पे। आज ऐसी वॉक करने का मन है, वॉक करेंगे अभी बहुत सारी डाउनटाउन जाके भी, उसके बाद जाएंगे वॉलमार्ट, वॉलमार्ट जाके बस कुछ मीठा ना खरीदें क्योंकि वो हम छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी देखते हैं, किस्मत में लिखा है अगर मीठा खाना तो मीठा खाएंगे। ये है भाई डाउनटाउन की गलियाँ, बड़ी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। वो सामने है 1957 की बिल्डिंग, आगे जाके 1800s की भी है एक बिल्डिंग, काफ़ी पुरानी। आर्किटेक्चर बढ़िया इधर का, ये देखो ये पुराने स्टाइल की। ऐसे घूमेंगे इधर उधर, वॉक करेंगे। पंजाबी रेस्टोरेंट है यहाँ पे दो तीन बढ़िया। लेफ्ट टीम किधर है? ये सड़क हो गई है क्रॉस। दिन की आज तीसरी कॉफ़ी, सुबह उठते कॉफ़ी, उसके बाद एक फ्रेंच वनीला, उसके बाद थर्ड कॉफ़ी लेने जा रहे हैं टीम की साइड। सिटी बढ़िया है, बाल अच्छे बढ़िया, बाल बाल अच्छे कटवाए हैं, दिखा बढ़िया है बाल, बहुत बढ़िया बाल है। इतने अच्छे बाल तो देखे नहीं अभी गाँव में, बोला नहीं जा रहा है, मेरे से ठंड लग रही है। अब जाएंगे वॉक करते करते वाटर फ्रंट, और एक चर्च है यहाँ पे बहुत पुराना, बहुत बहुत सुंदर बिल्डिंग है, वो भी दिखाएंगे थोड़ी देर में। कुछ फायर ब्रिगेड जा रही है कहीं भाई, सब बढ़िया ही हो, हम तो यही चाहते हैं। हम तो अपना अभी लिया है स्टीप टी डबल डबल, कॉफ़ी दो हो गई थी, तीसरी कॉफ़ी का मन नहीं है, कैंसिल कर दी। चाय ले ली अपना टीम से, अब चाहते हैं कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग दिखाते हैं, बिल्डिंग बड़ी सुंदर है ये, ये भी काफ़ी मेरे ख्याल से पुरानी होगी ना। हाँ नाइस, ये है जी कॉन्फेडरेशन मॉल। काउज है यहाँ की स्पेशल, आइसक्रीम बड़ी फेमस है, अभी तक ट्राई नहीं की मैंने, पूरा समर इधर उधर से बहुत सारी आइसक्रीम खाई है लेकिन काउज से कोई ट्राई नहीं करी है। मैं भी आज तो खाने का मन नहीं, आज तो ठंड बहुत है, ये तो खिला देंगे। यहाँ तो करते हैं वेट, ये है कॉन्फेडरेशन सेंटर ऑफ आर्ट्स, यहाँ भी प्ले वगैरह होते रहते हैं। हो गया, इससे साइड चलो
नहीं नहीं रोड इस पे वो समझ गया भी, वो बंदा भी साइड में चल रहा है, नाइस आई लाइक इट। यहाँ पे प्लेस वगैरह होते हैं कंपटीशन सेंटर पास में, लाइव थिएटर एंड ऑल। कॉफी अभी हमने स्टार्ट नहीं करी है, कॉफी नहीं सॉरी चाय है। ये बिल्डिंग आई थिंक बहुत पुरानी, अरे विक्टोरिया स्ट्रीट यही है ना, विक्टोरिया रो, विक्टोरिया रो। यहाँ पे सारा यहाँ लाइव म्यूजिक होता है शाम को। क्वीन स्ट्रीट ये विक्टोरिया रो के लिखा है, ये है ये है जी चर्च वाली बिल्डिंग, अभी फ्रंट से दिखाते हैं, बहुत बढ़िया है। बड़ा टाउन बहुत प्यारा है, ये अच्छा फील होता है रह के, ऐसी दिक्कत नहीं है कोई, बस जब ये सारा स्ट्रेस निकल जाएगा पीआर वाला और करना क्या है, बिजनेस स्टार्ट करना है क्या करना है, फिर पता लगेगा सही से। ये भी साइड व्यू है इसका, तो इस फ्रंट पे जाके दिखाते हैं, बढ़िया। ये देखो जी कलरफुल बिल्डिंग्स, ओ ये है फ्रंट चर्च का, बहुत ही बढ़िया जगह है। बातें कर रहे हैं टुकले आपस में पुरानी, ओ नितिन घूम रहा है सामने, चलते हैं अभी वॉक करते करते। बाकी रोड क्रॉस कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। ये नितिन सलाह ले रहे हैं इनसे कोई जिंदगी की एडवाइस। क्या स्टोरी है, अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। चले वाटर फ्रंट की तरफ, बाकी पीआई में बच्चे मूव कम होने लगे हैं अब जब से पॉइंट वाला सिस्टम आया पीआर का, मूव हो ही नहीं रहा कोई, जा रहा हो ही नहीं रहा कोई, अब तो वापस जा रहे हैं लोग। जो गाड़ियों की एड्स देख रहा हूं मैं, उस पे लिखा लिख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में कि इस प्रोविंस से मूव हो रहा हूं तो मेरे को गाड़ी बेचनी है। बाकी जिसने भी मूव होना सिटी देख लो पहले से ही, थोड़ी बहुत आ सकते हो, समर में सबसे बढ़िया एक्टिविटी यही होती है घूमने के लिए, बहुत बढ़िया। दो महीने के लिए जाते हैं, और भी ऑप्शन है घूमने के लिए, ऐसा नहीं है, बट यहाँ घूमने टूरिस्ट एक्चुअली बहुत आता है, यहाँ पे क्रूज वगैरह आते हैं, बहुत टूरिस्ट होते हैं शार्लेट टाउन में, तो हर कंट्री के आई थिंक लोग तो, लोग दिख जाते हैं। अभी तो ये शार्लेट टाउन ही है, ईस्ट पॉइंट नॉर्थ केव, ये सारी आइलैंड बीच कंपनी, बीच के आसपास पहुँच गए हम। समर में तो क्या यहाँ माहौल होता है, देखने वाला होता है, बहुत लोग, पूरा आउटडोर ऐसे प्रोग्राम चल रहे होते हैं, सिंगिंग के घूम रहे होते हैं लोग,
अभी तो है बिल्कुल सुनसान, हमारे अलावा मुश्किल से ही कोई लोग होंगे यहाँ पे। और ठंड हो भी गई है वैसे थोड़ी ना, अब ये जगह है बोट उतारने के लिए अपनी। हाँ अभी तो फ्रोजन है सारा सिस्टम। वो दिखाते हैं, शिप खड़ा है एक, देख के आते हैं पास से कैसा है। क्रूज तो नहीं लग रहा ना, ऑयल के लिए हो गया वो है। हाँ अरे हाँ क्रूज, तभी टूरिस्ट अभी दिखे थे मुझे दो चार ना क्रूज। मेरे हिसाब से न्यू फाउंडलैंड वाला है लंडा, क्योंकि वही है। चलो पास जाके देखते हैं कौन कौन से शिप हैं। यहाँ सारी बोट्स पार्क्ड होती थी समर में, अब पूरा फ्रीज हो चुका है। फिर भी इसके ऊपर नहीं जा सकते, अभी पानी के अंदर ही आएगा जो इसके ऊपर पैर रखेगा। बट ये बोट पार्किंग है सारी यहाँ पे। और ये है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स, ये जितने दिख रहे हैं ये सब पानी पे फ्लोट कर रहे हैं, ये सब फ्लोटिंग है। ये मोटल है, ये फ्लोटिंग मोटल है, मोटल्स हैं यहाँ, रूम ले सकते हो आप पानी पे। और बढ़िया है, अभी तो आई थिंक सीजन के लिए बंद कर दिया है। बैटरी हो गई है हमारी लो, 20% पे आ गई है। इतनी जल्दी ठंड में बैटरी बहुत जल्दी जाती है फ़ोन की। कुछ ये पीछे से टूटा हुआ है फ़ोन मेरा, तो ज़्यादा ठंड लगती है इसको मुझे लगता है। जब तक रिकॉर्ड कर रहा है तब तक चलाएंगे। यहीं से ले लें शॉर्टकट या वहाँ से चलते हैं, फ्रंट से चलते हैं, फ्रंट बढ़िया है। सबसे पहले तो कब को जगह तो अपने उधर भी ओंटारियो में हर जगह होती है घूमने के लिए, तो हर जगह होता है। बट वहाँ क्या होता है, दूर जाना होता है, लोग आलस कर लेते हैं। यहाँ 10 किलोमीटर की सिटी है तो नॉर्मली सब कुछ पास पास है, तो मन करता है कि चलो यार शाम को अगर 1 घंटा भी फ्री है तो कहीं चलाते हैं, तो बढ़िया हो जाता है। ये है जी शिप खड़ा एक ये, और ये सामने है उसको पास से जाके दिखाते हैं, वो बढ़िया लग रहा है। सर्दियों में इतना कुछ ओपन नहीं है, बट हम रहते हैं तो हमें है कि हो सकता है नेक्स्ट सीजन नेक्स्ट सर्दियां यहाँ पे ना हो तो सारा एक्सप्लोर कर लें जितना हो सकता है। इतना घूम लो उतना कम है भाई, मन लगा रहता है थोड़ा। समर का आपको दिखा ही देंगे धीरे धीरे, जहाँ जहाँ जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे संडे तो बाहर ही होते हैं हम। यार वो अंकल फिर दिख गया, कौन से वाले तो जी लॉबस्टर जिनको पसंद है वो यहाँ आ सकते हैं। और शिप दिखाने वाला प्लान हमने कैंसिल कर दिया है, हमारी बैटरी बड़ी जल्दी जल्दी लो जा रही है। तो शिप दिखाने है ना समर में, दिखा शिप समर में दिखाएंगे, दूर से दिखा देते हैं वो बड़ा है। एक फोटो दिखा देना है, इसके जाना है अपने, क्या नाम है इसका, फूड हॉल मार्केट। हाँ ये भी अच्छा है, इसमें बहुत सारे फूडी लोगों के लिए बहुत कुछ मिलता है, इसमें नई नई चीज़ें ट्राई करनी है तो इसमें थोड़े जाते हैं 10 मिनट, उसके बाद जाएंगे घर, चाय नहीं पियेंगे। 3 हो गई सुबह से, कॉफ़ी टी और पीने का मन नहीं है। बच्चे वेट कर रहे हैं सारे स्केटिंग के लिए, रेडी हो रहा है ये। निकलते हैं अब घर की साइड ही चलते हैं, गाड़ी ढूंढते हैं पता नहीं कहाँ पार्क करी है, उसके बाद घर पहुँच के। आज रात को पार्टी वार्टी है, एक फ्रेंड का बर्थडे है, ब्लैंक कैनवस आर्ट सप्लाईज। डब्बे आ गए भी कैनेडा पोस्ट के,
छिटकियाँ विटियाँ चेक कर लो जिसकी आई हैं। ये तो आई थिंक 100 साल से भी पुरानी होंगे, सारे घर मिनिमम 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं जितना ये दिख रहा है एरिया। बहुत पुराने लकड़ी के घर सरवाइव कर जाते हैं ये, और कितने स्टॉर्म्स देखे हैं इन्होंने कब से। मुझे लगता था कि अपने कंक्रीट वाले ज़्यादा मजबूत होते हैं, बट इनका भी अच्छा होता है स्ट्रक्चर। बढ़ रहे हैं अब घर की तरफ, धीरे धीरे यात्रा शुरू हो गई है। ओके, ये इस पे लिखा हुआ है 1880। भाई साहब 1880 कितना पुराना हो गया ये। ये हो गया भाई साहब 143 ईयर्स ओल्ड घर था जो 150 साल पुराना। भाई साहब आइलैंड पे सेटल कब हुए थे लोग पता करते हैं थोड़ी बहुत हिस्ट्री इसकी। ये लो उससे भी पुरानी मिल गई है, ट्रिनिटी चर्च वॉज फाउंडेड इन 1778। भाई 1778 जितना मैं सोच रहा था उससे भी पुराना है मुझे लगता है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। तो और ये आई थिंक सारी 1900 से पहले वाली बिल्डिंग है जो स्टोन का वर्क है जिनमें सब। बाकी बढ़िया है घूमने के लिए, ठीक जगह है, कभी चक्कर कोई मारे तो मन लग जाएगा। बाकी ट्रैफिक की कोई टेंशन नहीं है, ये देख लो सैटरडे इवनिंग है, डाउनटाउन है और यही है मैक्सिमम। कभी कोई इवेंट होता है बहुत बड़ा न्यू ईयर का या कुछ हो गया ऐसा तो शायद ट्रैफिक मिल जाए, नहीं तो मैंने नहीं देखा यहाँ कभी। ये चर्च हो गई, एक सामने ये चर्च हो गई, राइट पे भी चर्च है, लेफ्ट पे भी चर्च है, पीछे भी चर्च है, हर तरफ चर्च है, जिसने भी आना हो। अब बस गाड़ी ढूंढ लें हम कहाँ खड़ी करी थी। और समर में एक चीज़ दिखाएंगे, यहाँ पुरानी गाड़ियाँ बहुत हैं, मतलब जो क्लासिक कार्स होती हैं बहुत ज़्यादा हैं आइलैंड पे, और बाइक्स बहुत ज़्यादा हैं। थोड़े फन के शौकीन हैं लोग यहाँ,